नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कड़ाके की ठंड पड़ी हो और एक प्याला गरम सूप हो जाए तो बात ही कुछ और है। ऐसे तो हम सभी को चाय और कॉफी पीना ज्यादा पसंद है, पर सूप जो शरीर को इंस्टेंट गर्म करती है और हेल्दी भी होती है, जिसे जरूर पीना चाहिए इस ठंड की मौसम में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैरेट सूप, जो इजी, हेल्दी और टेस्टी भी है। रेसिपी को अंत तक अवश्य देखिएगा। यहाँ मैं दो गाजर ले ली हूँ, छोटी गाजर जिसे छील के काट के रखी हूँ। यहाँ मैं 4 कप सूप के लिए जो वेजिटेबल ली हूँ उसी से आप सभी को परिचित करा रहे हैं। 1 आलू जिसे छील के रखे हैं, 2 टीस्पून बटर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट ऑयल, कुछ धनिया के पत्ता जिसे मैं गार्निशिंग करूंगी, 2 टेबलस्पून दूध की जो मलाई होती है उसे फेंट के रखी हूँ, 2 चार कलियां रसन, 1 छोटी टुकड़ी अदरक और 1 प्याज। ऐसे सूप तो इंस्टेंट बाजार में बहुत काफी मिलती है, अवेलेबल है, पर ये घर में बनाई वाली सूप ज्यादा हेल्दी और टेस्टी भी बनती है। कुकर गर्म हो गया, दे देंगे थोड़ा सा तेल, 2 टीस्पून तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद तुरंत दे दूंगी ये अदरक और लहसुन। इसी के साथ साथ मैं दे दूंगी प्याज। साथ साथ दे दूंगी गाजर। सब्जी को कोई ज्यादा फ्राई करना नहीं है, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब 2 बीन्स मैं रखी हुई हूँ जिसे बाद में हमें आवश्यकता होगी। अब दे दूंगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक। बाद में मैं चेक कर लूंगी नमक को। अब थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और बाकी मैं बाद में ऐड करूंगी। अब दे दूंगी इसमें 3 कप पानी। तीन कप पानी देने के बाद 2 व्हिसल आने तक मैं इसे बॉईल कर लूंगी। देखिए बॉईल हो गया है। अब इसे स्ट्रेनर में मैं पूरा पानी को छान के सब्जी को अलग रख लूंगी। स्टॉक को पूरा रख देना है, स्टॉक की आवश्यकता हमें बाद में पड़ेगी। अब पूरी तरह ठंडा हो जाने के बाद हम इसे मिक्सर जार में दे के ग्राइंड कर लेंगे। फाइन पेस्ट बना लेना है हमें। देखिए पेस्ट तैयार है। अब फ्राई पैन गरम हो गया है। अब दे दूंगी 1 टीस्पून बटर, दे दूंगी चॉप किया हुआ जो बीन्स था उसको दे के मैं 1/2 मिनट तक फ्राई करूंगी। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो रहेगा। अब दे दूंगी बनाया हुआ जो पेस्ट रखी हूं, पेस्ट साथ ही में दे दूंगी वो वेजिटेबल जो स्टॉक है उसको ऐड कर दूंगी और अच्छा से मिक्स कर लूंगी। अच्छा से मिक्स कर लेने के बाद अब जो इंग्रेडिएंट्स है, बाकी इंग्रेडिएंट्स उसको मैं एक एक करके देते रहूंगी। दे दी नमक, नमक को चेक करके देना है। फिर दे दी 2 टेबलस्पून जो मलाई रखे थे वो मलाई, और काली मिर्च पाउडर। ये सब देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मेरा गरम गरम सूप तैयार है। आप अपने ही देखे कितना जल्दी ये बन जाती है। अब मैं सर्व करूंगी। अगर आज आप लोगों को ये मेरी सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अब तक जो सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मेरा सूप तैयार है। ऊपर से मैं धनिया का पत्ता और क्रीम से गार्निश कर दूँ।
नमस्कार।